सर आज सर आज का अपडेट क्या है, अभी तक की कितना फिगर है? जी कल जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है उसमें 22 रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद कुल 173 के अभी पॉजिटिव रिपोर्ट इंदौर में आ चुकी है जी। और मृतकों की संख्या कल रात को जो सेल से प्राप्त हुई थी उसको जोड़ लिया जाए तो 16 मृतक अभी तक रजिस्टर हुए हैं सर। लेकिन क्वारंटाइन कितने किए गए, कितने सैंपल लिए गए और कितनी रिपोर्ट्स अभी आना बाकी है? कल जो हम लोगों ने क्वारंटाइन की थी, कल हमारी दो अलग अलग तरह की टीमें निकली थी। एक जो हम लोग नॉर्मल स्क्रीनिंग कर रहे थे उसमें 600 की स्क्रीनिंग हुई थी, और एक जो क्वारंटाइन जो कंटेनमेंट एरिया की हम लोगों ने सर्वे टीम बनाई थी उसमें नयापुरा, रानीपुरा और दौलतगंज इस जगह में भी एक टीम गई थी और दूसरी टीम टाटपट्टी वापस गई थी। तीनों टीमों ने लगभग 400 घरों में सर्वेक्षण का कार्य किया था, यानी कि लगभग 1200 घरों का सर्वेक्षण कार्य कर लिया गया था, और इस पर लगभग 40 लोग ऐसे पाए गए थे जिनमें सिम्टम्स थे। ये सर्वे ऐप के माध्यम से किया जा रहा है और इनमें लगातार इनकी डायरेक्ट मॉनिटरिंग हो जाती है और ये पता चल जाता है कि किसको लक्षण है और उसको ही हम सैंपलिंग कराते हैं। इनमें लगभग हम लोगों ने 3 लोगों को लक्षण पाए गए थे जिनकी सैंपलिंग भी करा दी थी। इनके अतिरिक्त जो स्क्रीनिंग हमारी टीम करा रही है उन्होंने लगभग 82 लोगों की क्वारंटाइन हाउस में और घर घर जाकर सैंपलिंग कराई। सर अगर आप देखें तो कितने लोग अभी क्वारंटीन हैं? लगभग 700 लोग अभी क्वारंटीन की स्थिति में हैं और उनमें विभिन्न गार्डन्स में जो हम लोगों ने लोगों को रखा हुआ है वो सभी शामिल हैं, और उनमें से अधिकांश लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है और उनके सैंपल्स भी लिए जा चुके हैं। कल जो सर क्वारंटाइन आया था उसमें 15 डेथ हुई थी, तो ये जो 16th डेथ आप बता रहे हैं कौन ही व्यक्ति है, कहाँ का निवासी था? ये जो निवासी हैं ये रानीपुरा क्षेत्र के निवासी हैं और इनमें पहले से ही ये भर्ती थे और इनकी स्थिति गंभीर थी, ये वेंटिलेटर पे थे, और इनकी दो बेटियाँ हैं जो कि पीड़ित थी और पॉजिटिव पाई गई थी, तो दोनों ही अभी नेगेटिव हो चुकी थी और जल्दी ही इनको छोड़ दिया जाएगा। डिस्चार्ज की जो प्रोसेस शुरू हुई थी, क्या आज भी कुछ लोग हैं जो डिस्चार्ज हो सकते हैं? जी हाँ बिल्कुल, अभी कम से कम 20 लोग ऐसे हैं जो हमारी पंक्ति में हैं और इनका अगर सेकेंड टेस्ट नेगेटिव आ जाएगा तो हम डिस्चार्ज करते हैं। सर आज किस तरह की स्ट्रेटेजी है, कितने जगह आज जो है वो स्क्रीनिंग की जानी? कल हम लोगों ने जो कलेक्टर महोदय ने स्वयं प्रशिक्षण दिया था, खजराना के 12,000 घरों पर हम लोगों ने सर्वे आज प्रारंभ किया है। इसमें जो टीमें लगाई गई हैं उसका इस तरह से बनाया गया है कि करीब 50 टीमें रहेंगी जो जिसमें आशा, आंगनवाड़ी और शिक्षक ये लोगों का फ्रेम बनाया गया है। प्रत्येक 3 से 4 टीमों के ऊपर एक ANM रहेगी जो उसका परीक्षण करेगी। 5 से 10 टीमों के ऊपर एक डॉक्टर रहेंगे जो उनका जो भी कंप्लेंट वाले पेशेंट रहेंगे उनका परीक्षण करेंगे। एक एक MMU अर्थात मोबाइल मेडिकल यूनिट टीम रहेगी जो पता चलने पर कि किसी को लक्षण हैं वो जाके उनका परीक्षण करेगी, आवश्यकता अनुसार उनका सैंपल भी क्षेत्र में ही जाके लिया जाएगा। इस तरह से ये रणनीति बनाई गई है प्रत्येक कंटेनमेंट एरिया में, और अभी तक हम 3 जगह पे ये काम कर चुके हैं। आज 4th जगह का काम शुरू होगा, 5th जगह के लिए शाम को प्रशिक्षण दिया जाएगा।